हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मिश्रा जी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज है 18 सितंबर 2018 और 18 सितंबर 2018 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी पीडीएफ फाइल एक साथ पा जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से ऐड हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है क्या दोस्तों? तो ये नाग मिसाइल सीरीज का एक हिस्सा है। क्या है? नाग मिसाइल सीरीज। अब नाग मिसाइल सीरीज क्या होता है? नाग में आप सुने होंगे कभी, इसे दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहते हैं, और ये एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मतलब ये टैंक रोधी है, दुश्मनों के टैंक को ये ध्वस्त करने के लिए ये मिसाइल यूज़ की जाती है, और इसी का हिस्सा है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो मैन पोर्टेबल है यानी कि इसे कंधे पर भी लेकर चला जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। और इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। कितनी है? 4 किलोमीटर। और DRDO ने इसे अभी परीक्षण किया है इसका, तो DRDO के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो DRDO के बारे में मैंने आपको बताया है पहले भी, DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में हुई थी DRDO की स्थापना। और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और DRDO के करंट टाइम पे चेयरमैन है G. सतीश रेड्डी। कौन है? G. सतीश रेड्डी है यहाँ के चेयरमैन, G. सतीश रेड्डी। ओके, कुछ दिनों से दोस्तों मेरा गला ख़राब था, तो मैं लाइक करने के लिए आपसे नहीं कह रहा था, क्योंकि मैं जान रहा था कि मैं अपना 100% आवाज़ नहीं दे पा रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैं लाइक करने के लिए नहीं कह रहा था। लोग अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक करने से कॉन्फिडेंस मिलता है और दोगुनी ऊर्जा से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और इसके साथ ही मैं आप इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी कर दिया कीजिए। तो आज की इस वीडियो का टारगेट हम लोग रखते हैं 200 लाइक का। बहुत कम टारगेट है, तो जल्दी से इस टारगेट को दोस्तों पूरा कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें भारत का स्थान है 130वां। कौन सा? 130वां स्थान है भारत का। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले भारत का 131वां स्थान था। सूचकांक से भी दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सूचकांक भी ध्यान में रखकर चलना है। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में भारत की रैंक कितना है? 130वां है। पहले था 131वां, एक अंकों का सुधार हुआ है। ओके, तो वर्तमान में है 130वां। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रोज़ वीडियो देखते हैं तो मैंने दो और सूचकांक के बारे में आपको बताया था। तो एक मैंने बताया था कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो उसमें था 177वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 177वां था। और एक मैंने बताया था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है 138वां स्थान। तो इन दोनों को भी आप लोग याद रखिए। इन दोनों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो अभी बता दूंगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा रुपए की स्थिरता हेतु हाल ही में कितने सूत्रीय उपाय लॉन्च किए गए हैं? तो अभी केंद्र सरकार द्वारा रुपए को स्थिर बनाने के लिए 5 सूत्रीय उपाय लॉन्च किए गए हैं। आप लोग वर्तमान में देख ही रहे होंगे कि रुपए का दाम धीरे धीरे गिरता जा रहा है, और $1 की कीमत वर्तमान में 72 से ऊपर हो गया है। तो इसी को स्थिर बनाने के लिए 5 सूत्रीय उपाय लॉन्च किए गए हैं। और केंद्र सरकार का लक्ष्य है दोस्तों घाटों में कमी लाकर अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना, और इसके लिए इन्होंने अनावश्यक आयातों पर कमी लाने के लिए बात कही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाक सीमा पर जम्मू में स्मार्ट फेंसिंग पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब ये प्रोजेक्ट दोस्तों 5.5 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 5.5 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट बनाया गया है भारत पाकिस्तान की सीमा पर। तो भारत पाकिस्तान की सीमा आया है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम हमें पता होना चाहिए। तो भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर। अच्छा, भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं, तो भारत और चाइना की सीमा को क्या कहते हैं? तो भारत और चाइना की सीमा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं।
अब इसी प्रकार से भारत और अफगानिस्तान की भी एक सीमा रेखा थी, लेकिन करंट टाइम पे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को। ओके, अब पाकिस्तान आया है दोस्तों, तो पाकिस्तान के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है। पाकिस्तान के करंट टाइम पे राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के करंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली और कहाँ कहाँ की संसद का नाम है मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपको याद हो गया हो तो मेरे साथ बोलिए। फ्रांस की, इराक की, दक्षिण कोरिया की, वियतनाम की और पाकिस्तान की, इतने जगहों की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर पहली बार डॉग पार्क खोला गया? कौन सा पार्क? डॉग पार्क खोला गया है भारत के किस स्थान पे? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में खोला गया है भारत का पहला डॉग पार्क। ओके, और यहाँ पर पहले कूड़ा डंप किया जाता था और कूड़े डंप करने वाले स्थान को हटाकर डॉग पार्क खोला गया है। ओके, हैदराबाद आप लोग जानते हैं करंट टाइम पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में फिलीपींस में आए तूफान का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में फिलीपींस में एक तूफान चल रहा है जिसका नाम है मांगखुत। क्या नाम है? मांगखुत नाम से एक फिलीपींस में तूफान चल रहा है और वर्तमान में इस समय ये धीरे धीरे बढ़ रहा है चाइना की तरफ। फिलीपींस में अब इसका वेग कम होता जा रहा है। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि फिलीपींस का अभी तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। फिलीपींस का सबसे शक्तिशाली तूफान है। अब आपको ऑप्शन में देखिए, आपको दिख रहा होगा जेबी, फ्लोरेंस और मांगखुत। ये तीनों के तीनों तूफान हाल फिलहाल के आए हुए तूफान हैं। जेबी के बारे में मैंने आपको बताया है, ये जापान में आया था। और फ्लोरेंस इस समय अभी थोड़ी ही दिनों पहले फ्लोरेंस चल रहा था अमेरिका में, और आज में आ गया है मांगखुत जो कि फिलीपींस में आया है। ओके, तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के पहले सैन्य अभियान का क्या नाम है जिसको अभी हुए 70 साल पूरे हो गए हैं? तो भारतीय सेना ने पहला सैन्य अभियान किया था ऑपरेशन पोलो के नाम से। किस नाम से? ऑपरेशन पोलो के नाम से। ये हुआ था हैदराबाद में। क्या हुआ था दोस्तों? जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो जैसे कि पाकिस्तान बना था, तो ये पाकिस्तान के साथ विलय भी करना चाह रहे थे और भारतीय गवर्नमेंट के साथ ये विलय नहीं करना चाह रहे थे। इस अभियान में दोस्तों उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सेना भेजकर हैदराबाद को भारत में विलय होने पर मजबूर कर दिया था। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो नाम था। और ये 5 दिनों तक चला था। कब से कब तक चला था? आज के 70 साल पहले 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच ये चला था ऑपरेशन पोलो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने हाल ही में किस देश के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो अभी इसरो ने हाल ही में ब्रिटेन के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो अब इसरो आया है, तो इसरो के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कहाँ पर? 1969 में। और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। अब ब्रिटेन आया है, तो ब्रिटेन के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या होती है? पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटेन की करेंसी। और ब्रिटेन की संसद का नाम होता है पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट और कहाँ कहाँ की संसद का नाम है, इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन चारों जगहों की संसद का नाम है पार्लियामेंट। इसको मैंने आपको बताया था कि इन सभी की पेरेंट कंट्री है ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन सभी पर राज की है और ब्रिटेन की ही संसदीय प्रणाली चलती है इन सभी देशों में। इसी वजह से उन सभी देशों का भी संसद का नाम है पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति और सर्बिया के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? 2। तो वेंकैया नायडू दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो अभी 3 देशों की विदेशी यात्रा पर हैं। कौन कौन से? सर्बिया, माल्टा और रोमानिया। ठीक है, माल्टा और रोमानिया 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं और इन्होंने अभी सर्बिया के राष्ट्रपति के साथ 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सर्बिया का राष्ट्रपति आया, तो सर्बिया के राष्ट्रपति का नाम हमें पता होना चाहिए। तो सर्बिया के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर बुसिस। कौन है? अलेक्जेंडर बुसिस हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। ओके,
लास्ट डे मैंने दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 10 जनवरी। मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ नजर आए। कईयों ने इसमें 14 सितंबर ऑप्शन में लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने विश्व हिंदी दिवस पूछा है, आप लोग भारतीय हिंदी दिवस बता रहे हैं। तो जो डेली करंट अफेयर देखता होगा उसे पता होगा और उसने करेक्ट आंसर बताया है 10 जनवरी। 14 सितंबर भारतीय हिंदी दिवस है, जबकि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। मैंने आप लोगों से कहा था डिटेल में लिखने के लिए, तो कई लोगों ने डिटेल में लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत मज़ा आया पढ़ने में, बहुत अच्छा लगा। कईयों ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी दी हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा भी था कि मैं रोज़ 3 टॉप कमेंटेटर का यहाँ पर नाम डिस्प्ले कराऊंगा, तो आज के 3 टॉप कमेंटेटर हैं। पहले हैं अंजू सिंह। कौन है अंजू सिंह? है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कम लाइनों में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, बहुत बेस्ट तरीका लगा इनका हमें एक्सप्लेन करने का। तो इनका कमेंट्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं पिछली वीडियो में जाकर। और इसके साथ ही मोहित लाखरा जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है लिखने का, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया था। और तीसरे नंबर पर आते हैं अनुज मिश्रा, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया है लिखने का और कई नई नई जानकारियाँ भी दी हैं। तो अनुज मिश्रा ने दोबारा, हालांकि इन्होंने प्रयास किया, पहली बार में ये 14 सितंबर को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन दोबारा इन्होंने 10 जनवरी के बारे में एक्सप्लेन किया, तो इन्होंने कई अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी दी हैं। अब देखो इससे दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो अब जो शुरू में देखता है वो जाके अपने हिसाब से लिखता है, अपना एक्सप्लेनेशन देता है। अब जो दूसरा कोई आता है तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन अपना एक्सप्लेनेशन देने से पहले वो पिछले लोगों की कमेंट्स को पढ़ता है। तो जब आप लोग पिछले लोगों की कमेंट्स को पढ़ेंगे तो इसी बहाने ही सही, लेकिन आप लोग को नई नई जानकारियां तो मिल जाएगी, जो पिछला बंदा कमेंट करके आपको बताया होगा वहां पर। जैसे जैसे लोग कमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे लोगों को और नई नई जानकारियां मिलती जाएंगी, सब एक दूसरे के कमेंट्स को पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियां और मिलती जाएंगी। तो इससे ये होगा दोस्तों कि जिस क्वेश्चन को मैं दे दूंगा आपको, उस क्वेश्चन पर जान लीजिए कि आपकी शाम आते आते PhD हो जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा यूज़ है सोशल मीडिया का, तो इसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए और कमेंट करके अपने एक्सप्लेनेशन को लिखिए, अपने अकॉर्डिंग लिखिए। प्रयास यही किया कीजिए कि आप अपना कितना दे पाते हैं, आपको कितनी जानकारी है, पहले आप वो लिखिए, उसके बाद आप औरों के भी कमेंट्स को ज़रूर पढ़ा कीजिए, इससे कई नई नई जानकारियाँ भी मिलेंगी। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज के क्वेश्चन को। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया अभियान स्वच्छता ही सेवा कब तक चलेगा? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है कि ये स्वच्छता ही सेवा कब तक चलेगा। करेक्ट आंसर देना है इन चारों के ऑप्शंस में से, और आप लोग पहले ऑप्शंस चूज किया कीजिए, पहले करेक्ट ऑप्शन लिखिए, उसके बाद उसके बारे में एक्सप्लेन किया कीजिए। क्योंकि पिछले कमेंट्स में मैंने देखा कि कई लोगों ने शुरू किया 14 जनवरी से एक्सप्लेन करना, उसके बाद लास्ट लाइन में आके लिखा था 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अब उसमें बताइए क्या समझा जाए, कि 14 जनवरी को आप आंसर किए हैं कि 10 जनवरी को आप आंसर किए हैं? आपने एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आपको शुरू में पहला करेक्ट ऑप्शन लिखना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस वजह से आप लोग पहला करेक्ट ऑप्शन लिखिए, उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और आज का टारगेट मत भूलना, 200 लाइक का टारगेट है और इसको आपको पूरा करना है 12 बजे के पहले पहले। और आज शाम को दोस्तों सैन्य अभ्यास की एक वीडियो आ रही है, तो सैन्य अभ्यास की ये बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्तों, इसमें ट्रिक वाइज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस वीडियो की PDF फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी PDF फाइल एक साथ पा जाएंगे। और दोस्तों मैंने जनवरी से लेकर अगस्त तक की मंथली करंट अफेयर की भी सीरीज स्टार्ट की है, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो लास्ट में मोबाइल बनकर आएगा, उसमें आप लोग को वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर की मंथली वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।